मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो दो मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी आपको क्या लगता है मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं। मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसीलिए करते हैं। कहते बस इसलिए। कहते मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया, वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं, ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के ज़माने में, कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है। तो मैंने कहा फिर क्या मामला है। कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो दो मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं, कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है, क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है, तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है, उसको 10% 15% 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनकी उनको क्या पैसे की जरूरत है। तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे और पैसा और पैसा और पैसा, बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन बना था,
अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। अडानी का क्या रोल है इसमें? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अडानी आके बताता है, पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। उसके बदले में उसको पता नहीं 10% 15% 20% कितनी कमीशन मिलती है। जिस दौर से देश गुजर रहा है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। और उसके ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन करा के ले जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता।